बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट कॉलेजेस तलगम की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में सेकंड ईयर केमिस्ट्री के अगले लेक्चर के साथ मैं पेश खिदमत हूँ। आज हम अल्काइंस का सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सेक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे कि अल्काइंस क्या होते हैं, इनका इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद अल्काइंस के जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को सरसरी सा देखने के बाद इनके केमिकल रिएक्शंस को तफसीलन डिस्कस करेंगे और आखिर में एसिटाइलिन के चंद यूजेस देखेंगे। अल्काइंस आप जानते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को कहा जाता है जिनमें एक या एक से ज़्यादा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जिनमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन। तो जिन हाइड्रोकार्बन में फिर एक या एक से ज़्यादा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो उन्हें अल्काइंस कहते हैं। अगर अल्काइंस में एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो उन्हें मोनो अल्काइंस कहते हैं। मोनो अल्काइंस का जनरल फार्मूला CnH2n-2 है। यहाँ पे n से मुराद कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 1। यहाँ n 1 नहीं हो सकता, 1 के अलावा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n की वैल्यू हो सकते हैं। मसलन अगर n की जगह 2 लिया जाए तो ये फार्मूला बनेगा C2H2 × 2 = 4 − 2 = 2। फार्मूला बनेगा C2H2। C2H2 अल्काइन फैमिली के पहले मेंबर का फार्मूला है और उस मेंबर को हम एसिटाइलिन के नाम से जानते हैं, जबकि उसका IUPAC नेम इथाइन है। अगर हम n की जगह 3 लेते हैं तो फार्मूला बनेगा C3H2 × 3 − 2 = 2 × 3 = 6 − 2 = 4। फार्मूला बनेगा C3H4। इसे प्रोपाइन कहते हैं। अब अल्काइन जो होते हैं इन्हें एसिटाइलिन्स भी कहा जाता है और इन्हें ये नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि पहला मेंबर एसिटाइलिन है और बाकी तमाम अल्काइंस इसके डेरिवेटिव हैं जो एसिटाइलिन में से एक या दोनों हाइड्रोजन एटमों को दूसरे एटमों के साथ रिप्लेस करने से हासिल होते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हम देखते हैं अल्काइंस के जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। इनमें पहला मेथड है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन टर्म हम अल्कीन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ चुके हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन एटम फ्रॉम ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। अल्कीन की दफ़ा हमने पढ़ा था कि जब अल्काइल हैलाइड्स की डीहाइड्रो हैलोजिनेशन होती है तो अल्कीन बनते हैं। अल्काइन की दफ़ा विसिनल डाइहैलाइड्स की डीहाइड्रो हैलोजिनेशन की जाती है। विसिनल डाइहैलाइड्स की जब डीहाइड्रो हैलोजिनेशन होती है तो अल्काइन बनते हैं। अब इनकी डीहाइड्रो हैलोजिनेशन कैसे की जाती है, तो विसिनल डाइहैलाइड्स को किसी स्ट्रांग बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। तो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन कब होती है, जब विसिनल डाइहैलाइड्स को किसी स्ट्रांग बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। आमतौर पर जो स्ट्रांग बेस यूज़ किया जाता है वो या तो अल्कोहलिक KOH होता है और या फिर NaNH2 होता है। तो एग्जांपल के लिए कंसिडर करें 1,2-डाईक्लोरोइथेन
इसका अगर हम रिएक्शन कराएं अल्कोहलिक क्यूएच के साथ और इनके मिक्सचर को हीट करें, तो किसी एक कार्बन में से एक क्लोरीन एटम रिमूव होगा और दूसरे कार्बन में से हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा। तो फ़र्ज़ किया कि इस कार्बन से क्लोरीन एटम रिमूव होता है और इस कार्बन से हाइड्रोजन एटम। इन दोनों कार्बन के बीच एक नया पाई बॉन्ड बनेगा, इनके दरमियान डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये चीज़ हो जाएगी। राइट वाले कार्बन से क्लोरीन एटम निकल गया और लेफ्ट वाले में से हाइड्रोजन एटम, बाकी साथ में KCl बना और वाटर बना। अब ये जो विनाइल क्लोराइड बना, अगले स्टेप में इसका रिएक्शन NaNH2 के साथ कराएंगे। NaNH2 अल्कोहलिक क्यूएच के मुकाबले में स्ट्रांगर बेस है। विनाइल क्लोराइड में डबल बॉन्ड होने की वजह से ये मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है और अब इस क्लोरीन एटम को रिमूव करना मुश्किल है, इसलिए अब ज़्यादा स्ट्रांग बेस चाहिए। इसलिए सेकेंड स्टेप में KOH की बजाय NaNH2 को यूज़ करते हैं। तो ये विनाइल क्लोराइड जब NaNH2 के साथ रिएक्ट करता है तो अब इस कार्बन में से क्लोरीन एटम निकल जाता है और इस कार्बन में से हाइड्रोजन एटम। इन दोनों कार्बन के बीच एक और पाई बॉन्ड बन जाता है, यूँ इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है और ये हमें एसिटाइलीन हासिल होती है। इस स्टेप में भी साथ में NH3 का एक मॉलिक्यूल बनता है और साथ में NaCl बनते हैं। अब इन दो रिएक्शंस का ओवरऑल नतीजा ये निकला कि ये जो 1,2-dichloroethane है, इसमें से दो हाइड्रोजन एटम निकल गए और दो क्लोरीन एटम निकल गए। अगर आप 1,2-dichloroethane और एसिटाइलीन को कंपेयर करें, इनका जायज़ा लें, तो आपको फ़र्क ये नज़र आएगा कि 1,2-dichloroethane के मुकाबले में एसिटाइलीन में दो हाइड्रोजन कम है और दो क्लोरीन कम है। तो हुआ ये है कि ओवरऑल इन दोनों कार्बन में से एक एक हाइड्रोजन निकला और एक एक क्लोरीन निकला और दोनों के बीच दो नए बॉन्ड्स का इजाफा। एक और एग्जांपल लें, ये है 1,2-dichloropropane। इसका रिएक्शन अगर पहले मरले में अल्कोहलिक क्यूएच के साथ कराएं, तो ये जो दो कार्बन है इनमें से किसी एक में से क्लोरीन एटम निकलेगा और फिर दूसरे में से हाइड्रोजन एटम निकलेगा। तो फ़र्ज़ किया कि इसमें से क्लोरीन एटम निकला और इसमें से H निकला, तो बनेगा CH3CCl डबल बॉन्ड CH2, CH3CCl डबल बॉन्ड CH2। अब ये जो एक क्लोराइड बना, इसको अगले मरले में NaNH2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे। अब ये होगा कि ये जो कार्बन है इसमें से क्लोरीन एटम निकलेगा और इस कार्बन में से हाइड्रोजन एटम निकलेगा। इन दोनों कार्बन के बीच एक और बॉन्ड का इजाफा होगा, तो ये एक अल्काइन बन जाएगा जिसका नाम है प्रोपाइन, और इसके साथ बाकी यहाँ पर NH3 और NaCl आएंगे। तो यहाँ भी वही हुआ है कि आप चाहें तो इन दोनों रिएक्शंस को सिंगल रिएक्शन की सूरत में लिख सकते हैं। अगर आपने सिंगल रिएक्शन में ये सब कुछ बताना हो, तो प्रोडक्ट लिखने में आपने ये करना होगा कि ये जो 1,2-dichloropropane है, इसमें से इन दोनों कार्बन में से एक एक H हटा दें और एक एक क्लोरीन हटा दें और दोनों कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगा दें। तो ये पहला मेथड है अल्काइंस की प्रिपरेशन का। अगला मेथड आ जाता है डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलाइड्स। डीहैलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हेलोजन एटम्स फ्रॉम ए मॉलिक्यूल। टेट्रा हेलाइड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें चार हेलोजन एटम पाए जाए। अब अगर हम ऐसे टेट्रा हेलाइड लें जिनमें दो हेलोजन एटम एक कार्बन के साथ हों और दो हेलोजन एटम उस
उससे नेक्स्ट कार्बन के साथ हो, और इस किस्म के टेट्राहिलाइड्स को जिंक मेटल के साथ हीट करें तो मॉलिक्यूल में से चार हैलोजन एटम्स रिमूव होंगे और उन दो कार्बन के बीच दो नए बॉन्ड्स का इजाफा होगा और यूं एक अल्काइन का मॉलिक्यूल बनेगा। तो मसलन ये है 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन, ये एक टेट्राहिलाइड है। इस कार्बन के साथ भी दो क्लोरीन एटम है और इससे जो नेक्स्ट कार्बन है उसके साथ भी दो क्लोरीन है। इस टेट्राहिलाइड का रिएक्शन अगर हम जिंक के साथ करवाते हैं तो जिंक के दो एटम रिएक्शन में हिस्सा लेंगे, ये चार क्लोरीन एटम रिमूव होंगे, इन दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो ये बन जाएगी एसिटाइलीन और इधर जिंक क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल बनेंगे। तो इस तरीके से डीहैलोजिनेशन हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी तरह एक और एग्जांपल है, ये टेट्राहिलाइड है 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोप्रोपेन। इसका रिएक्शन अगर जिंक के साथ करवाएं तो ये चार क्लोरीन एटम रिमूव होंगे और इन दो कार्बन के बीच दो नए पाई बॉन्ड बनेंगे, एक बॉन्ड पहले से है तो इस तरह इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये चारों क्लोरीन हटा दें और इनकी जगह यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दें तो ये चीज़ मिलेगी CH3C CH। ये हमें प्रोपाइन हासिल होगा और इसके साथ जिंक क्लोराइड बनेगा। इसके बाद थर्ड मेथड आ जाता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटाशियम साल्ट्स ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स और कोल्ब्स मेथड। इस मेथड से आप वाकिफ हैं, अल्केन्स और अल्कीन्स में भी हम इस मेथड को देख चुके हैं। अल्केन्स के लिए हमने पढ़ा था कि सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है, अल्कीन्स के लिए सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है। और अब जब यहाँ अल्काइन्स हैं तो यहाँ पर हम सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, अनसेचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करते हैं। सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ अनसेचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो अगर हम किसी अनसेचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटाशियम के साथ साल्ट बनाएं, उस साल्ट का एक्वो सोल्यूशन बनाएं और फिर उस सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को गुजारें तो एक कम्प्लेक्स रिएक्शन वाक़ होता है और अल्कीन्स बनते हैं। अब मसलन ये एक अनसेचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है, इसका नाम है डाई पोटाशियम मेलिएट। अगर यहाँ पोटाशियम आइंस की जगह हाइड्रोजन होते तो ये अनसेचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता, इसका नाम होता मेलिएट एसिड। अब जब पोटाशियम आइन है तो इसका नाम होगा डाई पोटाशियम मेलिएट। अगर हम इस डाई पोटाशियम मेलिएट का पानी में सोल्यूशन बनाएं और फिर उस सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को गुजारें तो एक कम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, सीरीज ऑफ रिएक्शन होगी और उसके नतीजे में ये एक अल्काइन बनेगा इथाइन या एसिटाइलीन, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और KOH बनेंगे। अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले ये साल्ट आयोनाइज होगा, जब हम इसे पानी में डिजॉल्व करेंगे तो ये आइंस में सप्लिट होगा, तो ये वाला नेगेटिव आइन बनेगा, इस नेगेटिव आइन का नाम है मेलिएट आइन और साथ में पोटाशियम आइन बनेंगे। मेलिएट आइन एनोड की तरफ चले जाएंगे और पोटाशियम आइन कैथोड की तरफ चले जाएंगे। अब मेलिएट आइन जब एनोड पर पहुंचेंगे तो वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ये वाला ऑक्सीजन जिस पर नेगेटिव चार्ज है और इधर से ये वाला ऑक्सीजन जिस पर नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे
इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इनका जो नेगेटिव चार्ज है वो ख़त्म हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएंगे। इन दोनों ऑक्सीजन के पास एक एक अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो ये वाला एक रेडिकल बन जाएगा। अब ये आयन नहीं है, अब ये एक फ्री रेडिकल है। दोनों ऑक्सीजन के पास सिंगल अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसको डिनोट करने के लिए इनको मैंने स्टेरिक कर दिया। ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे ये एक्सटर्नल वायर के ज़रिए कैथोड की तरफ चले जाएंगे। अब उसके बाद ये वाला रिएक्शन होगा। इस स्टेप में क्या होगा कि ये जो मेलिएट का रेडिकल बना, अब इसमें मैंने तमाम बॉन्ड्स को शो कर दिया। ये जो ऑक्सीजन है यहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं है, बल्कि यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये इस कार्बन को ऑफर करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन का बंदोबस्त तुम करो तो फिर बॉन्ड बनाते हैं। तो कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन इस कार्बन के साथ जो ये वाले इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन विड्रा कर लेगा, वापस ले लेगा, ये शेयरिंग ख़त्म। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एरो की मदद से मैं इधर शो कर रहा हूँ कि मूव कर रहे हैं, अब वो इलेक्ट्रॉन इधर शेयरिंग के लिए जा रहा है। तो इधर से फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा बॉन्ड का दूसरा इलेक्ट्रॉन, वो ये कार्बन ले लेगा, वो ये कार्बन ले लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन लाया और एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लाया, ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके कार्बन और ऑक्सीजन आपस में एक और बॉन्ड बना लेंगे, इनके बीच डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब ये एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, ओ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ये कार्बन डाइऑक्साइड होगी। नीचे भी यही कुछ होगा, ये ऑक्सीजन भी इस कार्बन को यही कहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन लाओ तो बॉन्ड बनाते हैं। तो कार्बन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लाया, इधर से दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने ले लिया, इन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो गया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का सेकंड मॉलिक्यूल बन गया। तो ओवरऑल स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल बनेंगे। पीछे ये वाला जो पार्ट है ये अलहदा हो गया, और इसमें इन दोनों कार्बन के पास एक एक अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ मैंने उसे स्टेरिक की मदद से दिखा दिया। तो इस तरह इस स्टेप में ये एक और रेडिकल बन गया, इथीन रेडिकल, और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बने। फिर अगले स्टेप में ये होगा कि ये जो इथीन रेडिकल बना, इसमें दोनों कार्बन के पास एक एक अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों कार्बन आपस में इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके आपस में एक और बॉन्ड बना लेंगे। पहले डबल बॉन्ड है, एक और बॉन्ड बनेगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये इस तरह एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल बन गया। तो यूँ हमें एनोड पर ये दो प्रोडक्ट्स मिलेंगी, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक एसिटाइलिन। उसके बाद कैथोड पर पोटाशियम आयन मौजूद है, वो इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे जो एक्सटर्नल वायर के ज़रिए एनोड से कैथोड की तरफ गए। पोटाशियम आयन इन्हें एब्जॉर्ब करेंगे तो पोटाशियम मेटल बन जाएगी, पोटाशियम मेटल के एटम बने। पोटाशियम मेटल पानी के लिए बहुत ज़्यादा अफिनिटी रखती है, पानी एज अ सॉल्वेंट मौजूद है, तो जो ही पोटाशियम मेटल बनेगी वो पानी के साथ केमिकली रिएक्ट कर जाएगी, इससे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन बनेगी। तो इस तरीके से ये रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होगा और हमें डाई पोटाशियम मेलिएट से एसिटाइलिन हासिल होगी। इसके बाद एसिटाइलिन की प्रिपरेशन का एक स्पेशल मेथड आ जाता है, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर। अब तक जो हमने तीन मेथड पढ़े हैं ये तीनों जनरल मेथड्स थे, इनको यूज़ किया जा सकता है टू प्रिपेयर एनी अल्काइन। अब ये वाला जो मेथड है ये सिर्फ एसिटाइलिन के लिए मखसूस है। एसिटाइलिन को बनाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन पानी के साथ करवाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड खुद जो है उसे बनाने के लिए
लाइम को लिया जाता है और लाइम को कोक के साथ बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। इनके दरमियान रिएक्शन के नतीजे में ये कैल्शियम कार्बाइड CaC2 बनते हैं। अब अगर इस कैल्शियम कार्बाइड को पानी में डाला जाए तो कैल्शियम आयन जो हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं हाइड्रोजन एटमों के साथ और यूं एसिटाइलीन या इथाइन का मॉलिक्यूल बनते हैं और कैल्शियम आयन यहाँ से हाइड्रोक्सल आयन्स के साथ कंबाइन होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इसके बाद अल्काइन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अल्काइन कलरलेस और ऑर्डरलेस हैं सिवाय एसिटाइलीन के। एसिटाइलीन कलरलेस तो है लेकिन इसका अपना एक ख़ास ऑर्डर है, जायका है, और इसका जायका गार्लिक लाइक होता है। अल्काइन फैमिली में जो पहले तीन मेंबर हैं इथाइन, प्रोफाइन, ब्यूटाइन, ये रूम टेम्परेचर पर गैसेस हैं। अगले जो आठ मेंबर हैं वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं और बाकी सारे अल्काइन सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो बाकी प्रॉपर्टीज़ आप देख लीजिएगा। अब हम आते हैं अल्काइन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ और इसमें पहले बात करते हैं इनके करैक्टरिस्टिक रिएक्शंस की तरफ। अल्काइन्स में अल्कीन्स की तरह पाई बॉन्ड पाए जाते हैं, इस वजह से ये भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं और अल्कीन की तरह ही ये एडिशन रिएक्शन देते हैं। एडिशन रिएक्शन के अलावा ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी देते हैं और उसके अलावा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन और एसिटिक रिएक्शन। तो इनकी रिएक्शंस इस तरह चार किस्म के बनते हैं, एडिशन, ऑक्सीडेशन, पॉलीमराइजेशन और एसिटिक। सबसे पहले हम एडिशन रिएक्शंस को पढ़ेंगे। अल्काइन्स के जो एडिशन रिएक्शंस हैं ये एक या दो स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। अल्काइन्स के मॉलिक्यूल में जो रिएजेंट होता है उसका एक मॉलिक्यूल ऐड हो सकता है या दो मॉलिक्यूल ऐड हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। अगर एक मॉलिक्यूल ऐड हो तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है और जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल में ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन थे उनके साथ एक एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम बॉन्डेड हो जाता है। अगर रिएजेंट के दो मॉलिक्यूल ऐड हों अल्काइन के मॉलिक्यूल में तो फिर जो ट्रिपल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है और ओरिजिनल मॉलिक्यूल में जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन होते हैं उनके साथ दो दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम बॉन्डेड हो जाते हैं। तो पहला रिएक्शन हमारे पास हाइड्रोजिनेशन है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। इसे हम अल्केन में भी पढ़ के आए हैं, अल्कीन में भी पढ़ के आए हैं। अल्काइन में से जब हाइड्रोजन गैस को मेटल कैटलिस्ट की मौजूदगी में गुजारा जाता है तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ट्रिपल बॉन्ड में ऐड होता है। आमतौर पर अल्काइन के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं और जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहे होते हैं उन दोनों में दो दो हाइड्रोजन एटम ऐड हो जाते हैं और इस तरह जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलती है वो एक अल्केन होती है। तो इस एग्जांपल में प्रोपाइन से प्रोपेन बनती है। प्रोपाइन के साथ हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं और यूं प्रोपेन बनती है। इस किस्म की जो हाइड्रोजिनेशन है इसे कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। अब अल्काइन्स की एक और हाइड्रोजिनेशन की जा सकती है जिसे पार्शियल हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। इसे हमने अल्कीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ा था। अगर हम ऐसा करें कि यहाँ मेटल निकल की बजाय प्लाटिनम यूज़ करें और फिर प्लाटिनम मेटल को पॉइजन कर दें तो वो जो पॉइजन होगा वो प्लाटिनम की रिएक्टिविटी को रिड्यूस कर देगा और अब ये होगा कि अल्काइन के मॉलिक्यूल में
हाइड्रोजन का एक ही मॉलिक्यूल ऐड होगा और जो प्रोडक्ट होगी वो एक अल्कीन होगी। अल्कीन से आगे अल्केन बनने का रिएक्शन इतना स्लो होगा कि प्रैक्टिकली हमें अल्केन हासिल ही नहीं होगा। इस रिएक्शन को पार्शियल हाइड्रोजनेशन कहते हैं। अब इस मकसद के लिए क्या किया जाता है? इस मकसद के लिए लिंडलेस कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। लिंडलेस कैटलिस्ट क्या होता है? ये प्लैटिनम मेटल को बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन के साथ मिक्स किया जाता है। बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन प्लैटिनम के लिए पॉइजन है, तो ये जो मिक्सचर है इसको लिंडलेस कैटलिस्ट कहा जाता है। तो जब अल्काइन को इस लिंडलेस कैटलिस्ट के साथ हीट किया जाता है तो हाइड्रोजन का एक ही मॉलिक्यूल यहाँ ऐड होता है और इस तरह हमें अल्कीन हासिल होते हैं। फिर इस रिएक्शन की ख़ास बात यह है कि अल्कीन जो बनते हैं उनकी कन्फिग्रेशन सिस होती है। सिस अल्कीन हमें हासिल होते हैं, जिसका मतलब होगा कि डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ जो दो एक जैसे एटम होंगे वो सेम साइड पे वाक़ होंगे। तो इस एग्जांपल में 2-ब्यूटाइन से 2-ब्यूटीन बनेगी, वो 2-ब्यूटीन सिस होगी। इन दोनों कार्बन में एक एक हाइड्रोजन एटम ऐड होगा और वो हाइड्रोजन एटम सेम साइड पे होंगे। आपकी मर्ज़ी है आप उन्हें नीचे वाली प्लेन में दिखाएं, आपकी मर्ज़ी है ऊपर दिखाएं। यानी ऊपर आप मिथाइल हैं, आप बेशक मिथाइल नीचे लगाकर हाइड्रोजन ऊपर लगाएं, लेकिन बहरहाल सिस 2-ब्यूटीन में ये होगा कि चाहे ऊपर हों चाहे नीचे हों, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे होंगे, दोनों मिथाइल सेम साइड पे होंगे। तो यूँ लिंडलेस कैटलिस्ट की मदद से हमें अल्काइन से सिस अल्कीन हासिल होते हैं। अब पार्शियल हाइड्रोजनेशन का एक और तरीका भी है कि अल्काइन को सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया जाए और इस मकसद के लिए सोडियम को लिक्विड अमोनियम में डिज़ोल्व किया जाता है। तो सोडियम और लिक्विड अमोनिया के मिक्सचर के साथ जब अल्काइन का रिएक्शन करवाया जाता है तो सोडियम और अमोनिया पहले आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन बनाते हैं। वो हाइड्रोजन फिर ट्रिपल बॉन्ड में ऐड होती है। अब जो हमें अल्कीन हासिल होते हैं उनकी कन्फिग्रेशन ट्रांस होती है। इस एग्जांपल में 2-ब्यूटाइन से ट्रांस 2-ब्यूटीन बनेगी। ट्रांस 2-ब्यूटीन में ये होगा कि दोनों कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो अब अपोजिट साइड पे होंगे, या दोनों के साथ जो मिथाइल हैं वो अपोजिट साइड पर होंगे। तो इस तरीके से हम अल्काइन से सिस अल्कीन और ट्रांस अल्कीन बना सकते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाता है किसी पर्टिकुलर अल्काइन से, कहा जाता है कि सिस और ट्रांस अल्कीन बनाएं। मसलन क्वेश्चन दिया जा सकता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट 2-ब्यूटाइन इनटू आइसोमेरिक 2-ब्यूटीन, दैट इज सिस 2-ब्यूटीन एंड ट्रांस 2-ब्यूटीन। तो उसके आंसर में आपने इन दो रिएक्शंस को लिखना होगा। इसके बाद अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अगला रिएक्शन है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन एडिशन ऑफ हैलोजन। जिस तरह अल्कीन हैलोजन के साथ रिएक्ट करके डाई हैलाइड बनाते हैं, तो अल्काइन भी हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। अब अल्काइन हैलोजन के साथ रिएक्ट करके डाई हैलाइड या टेट्रा हैलाइड बनाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हैलोजन का 1 मोल यूज़ हुआ या 2 मोल यूज़ हुए पर मोल ऑफ अल्काइन। हैलोजिनेशन कैसे की जाती है? अल्काइन और हैलोजन के मिक्सचर को नॉन पोलर सॉल्वेंट मसलन CCl4 में ऐड किया जाता है, तो हैलोजन का मॉलिक्यूल ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन में ऐड हो जाता है। अगर एक मॉलिक्यूल ऐड हो तो दोनों कार्बन के साथ एक एक हैलोजन एटम आ जाएगा और उन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो मसलन प्रोपाइन की एग्जांपल लें। प्रोपाइन
में अगर ब्रोमीन वाटर को डाला जाए तो शुरू में ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल ट्रिपल बॉन्ड में ऐड होगा, इन दोनों कार्बन के साथ एक एक ब्रोमीन एटम आ जाएगा और ये प्रोडक्ट बनेगी 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपीन, या डबल बॉन्ड आना है इसको मेंद्रोस कार्बन जी। इन दोनों कार्बन के साथ ये एक एक ब्रोमीन आया और दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रह गया, ये बना 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपीन। इसके बाद इस 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपीन में अगर ब्रोमीन का एक और मालिक्यूल ऐड हो तो फिर इन दोनों कार्बन के साथ एक एक ब्रोमीन एटम मजीद आ जाएगा और इन दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। Br2 का एक और मालिक्यूल ऐड होगा, अब इस कार्बन में एक ब्रोमीन और आ गया, दो हो गए, इसी तरह इसमें भी एक ब्रोमीन और आया, तो ये प्रोडक्ट बन गई 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन। अब ये कैसे पता चलेगा कि एक मालिक्यूल ऐड होता है या दो? तो आमतौर पर लो टेम्परेचर पर हेलोजन का एक मालिक्यूल ऐड होता है और हाई टेम्परेचर पर दो मालिक्यूल ऐड होते हैं। एग्जाम में आपको दोनों तरह के रिएक्शन दिए जा सकते हैं, आपको रिएक्शन में दिया जा सकता है कि ये रिएक्शन कंप्लीट करें जिसमें लिखा हो एक अल्काइन हो और आगे हेलोजन का एक मालिक्यूल हो, या ये भी दिया जा सकता है कि एक अल्काइन हो और उसके साथ हेलोजन के दो मालिक्यूल हो। तो अगर एक मालिक्यूल हो तो आपने दोनों ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा देने, अगर दो मालिक्यूल के साथ रिएक्शन लिखना हो तो दोनों ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ दो दो हेलोजन एटम लगा देने हैं। अब इस रिएक्शन की खास बात यह है कि अगर इस रिएक्शन में ब्रोमीन को यूज़ किया जाता है तो रिएक्शन के आखिर में ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाता है। ये जो कलर का डिस्चार्ज होना है ये इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि मालिक्यूल में डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं, अनसेचुरेशन मौजूद हैं। तो अल्केन्स को अल्कीन्स और अल्काइन्स से डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस रिएक्शन को बतौर टेस्ट यूज़ किया जाता है और इसे ब्रोमीन वाटर टेस्ट के नाम से जाना जाता है। एक और एग्जाम्पल कंसिडर करें, अगर इथाइन का रिएक्शन क्लोरीन या ब्रोमीन से कराया जाए तो जब एक मालिक्यूल ऐड होगा इन दोनों कार्बन के साथ एक एक हेलोजन एटम आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड रह जाएगा और ये बन जाएगा 1,2 डाई ब्रोमो इथीन। फिर अगर 1,2 डाई ब्रोमो इथीन ब्रोमीन के एक और मालिक्यूल से रिएक्ट करे तो फिर इन दोनों कार्बन में एक एक ब्रोमीन और आ जाएगा और इधर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और ये बन जाएगा 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो इथीन। इसके बाद अगला रिएक्शन आ जाता है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड या हाइड्रोहेलोजिनेशन। अल्काइन को अगर हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो हेलोजन एसिड का मॉलिक्यूल ट्रिपल बॉन्ड में ऐड होता है और शुरू में अनसेचुरेटेड हेलाइड बनते हैं, फिर वो जो हेलाइड बनते हैं वो हेलोजन एसिड के एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट होती है वो एक जर्मिनल डाई हेलाइड होती है। तो मसलन एसिटाइलिन या इथाइन है, इसका रिएक्शन अगर HCl से करवाया जाए तो HCl का मॉलिक्यूल ट्रिपल बॉन्ड में ऐड होगा, इन दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम की तादाद बराबर है तो इसलिए किसी एक कार्बन में हाइड्रोजन एटम ऐड हो जाएगा और किसी एक में क्लोरीन एटम, और इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रह जाएगा और ये चीज़ बन जाएगी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CL, ये बन जाएगा विनाइल क्लोराइड। फिर इसमें एक और एग्जांपल लें, प्रोपाइन की एग्जांपल लें। अब प्रोपाइन जो है ये अनसिमेट्रिकल है, इसमें जो कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं इनके साथ हाइड्रोजन एटम की तादाद इक्वल नहीं है और HCl भी अनसिमेट्रिकल है। तो जैसा कि हम अल्कीन में पढ़ चुके हैं यहाँ भी मरकानी का रूल अप्लाई होगा। मरकानी का रूल के मुताबिक HCl का जो पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन है वो ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन में ऐड होगा
और जो नेगेटिव पार्ट क्लोरीन है वो कम हाइड्रोजन वाले कार्बन में ऐड होगा, तो इस सी एच के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और सी के साथ क्लोरीन बॉन्ड बनाएगा, तो ये चीज़ बनेगी सी एच थ्री, आगे सी सी एल, फिर डबल बॉन्ड और फिर सी एच टू। फिर इसके साथ एच सी एल का एक और मालिक्यूल रिएक्ट करेगा और अगेन मार्कानी का रूल अप्लाई होगा। अब इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है और इसके पास कोई भी नहीं है, तो इसमें पॉजिटिव पार्ट H ऐड होगा, इसमें नेगेटिव पार्ट Cl ऐड होगा, तो अब प्रोडक्ट आएगी CH3CCl2CH3। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलता है? ओवरऑल रिजल्ट ये निकलता है कि दो हाइड्रोजन एटम एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं और दोनों क्लोरीन एटम दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। यानी अगर आप प्रोपाइन और इस प्रोडक्ट को कंपेयर करें तो ये हुआ है कि ये जो ओरिजिनल सी एच था इसमें दो हाइड्रोजन एटमों का इजाफा हुआ और ये जो सी था इसके साथ दो क्लोरीन एटमों का इजाफा हुआ। तो ये प्रोडक्ट डाइहैलाइड है क्योंकि इसमें दो हैलोजन हैं, लेकिन अब ये डाइहैलाइड ऐसा है कि इसमें दोनों हैलोजन सेम कार्बन के साथ अटैच हैं। इस तरह के जो डाइहैलाइड होते हैं जिनमें दोनों हैलोजन एक ही कार्बन के साथ अटैच हों, इन्हें कहते हैं जर्मिनल डाइहैलाइड्स। इससे पहले हमने पढ़े हैं विसिनल डाइहैलाइड जिनमें दो हैलोजन एटम दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड होते हैं। जब दो हैलोजन एटम एक ही कार्बन के साथ बॉन्डेड हों तो उन्हें जर्मिनल डाइहैलाइड कहते हैं। तो अल्काइन जब हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो जर्मिनल डाइहैलाइड बनाते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर में हमने अल्काइंस के मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी पढ़े हैं और उसके बाद तीन रिएक्शंस भी पढ़े हैं, हाइड्रोजिनेशन, हैलोजिनेशन और एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। तो अल्काइन के बाकी जो रिएक्शन है वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर के साथ अगले वीक में दोबारा पेशी खिदमत होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।